हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से या 2D में। आज हम डिस्कस करेंगे मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 189 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर नीचे में सपोर्ट लेवल है 186 रुपीज पर। 186 रुपीज पर नीचे का सपोर्ट लेवल है। ऊपर में जो एक रुकावट रेंज है वो 220 रुपीज पर है। 220 रुपीज पर इस पॉइंट पर देखें तो एक रुकावट रेंज देखने को मिल रही है। काफी समय से देखें तो स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है और एक रेंज बोन में फंसा हुआ है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते लॉन्ग टर्म के नजरिया से तो नीचे में अराउंड 185 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के टारगेट अराउंड 220 रुपीज के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि स्टॉक के अंदर अगर 185 रुपीज से नीचे क्लोजिंग लेता है, जो ग्रीन कलर की नेक लाइन है, तो वहां पर और ज्यादा बिग वाली देखने को मिल सकती है। पर जब तक स्टॉक इस प्राइस से ऊपर है तो एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऊपर में जो रुकावट रेंज है वो 217 रुपीज पर है। स्टॉक एक बार 217 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है तो वहां पर एक बड़ी तेजी बनती हुई नजर आएगी।